वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाबर इन इंडिया। देखिए, मुगल डायनेस्टी के बारे में हम लोग बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं हिस्ट्री, और क्योंकि हमारा हिस्ट्री समझ लीजिए कि थोड़ा सा रिच हो जाता है सिक्स क्लास से, तो हम लोग सिक्स सेवन में उतने अक्लमंद होते नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन मुग़ल के बारे में ऑलमोस्ट हमें लगता है कि जब हमें मुग़ल के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है क्लास एट में, तो हम तब तक थोड़ा अक्लमंद हो चुके होते हैं, तो ज़्यादातर कहानियाँ हमें पता है। हमारा मेन टॉपिक जो होगा वो मिडिवल इंडिया में जो मुग़ल पीरियड है उसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि इनकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, क्या मिलिट्री पॉलिसीज़ थी, किस तरीके से काम किया, बस इसी चीज़ को। कहानियों में ज़्यादा नहीं जाएंगे, जितना ज़रूरत है उतना हम लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड जान लेते हैं पहले। तो जो बाबर थे वो एक सेंट्रल एशियन रूलर थे, आपको पता होगा। वो डिसेंडेंट थे तिमोर के और गेंगिस खान के। तिमोर जो हैं वो उनके एंसेस्टर हुए फादर के साइड से, और गेंगिस खान हुए मदर के साइड से। तो देखिए, दो बहुत बड़े सेंट्रल एशियन जो है वो योद्धा और रूलर कह लीजिए। गेंगिस खान का आपको पता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। तो दो इतने बड़े योद्धा के कह लीजिए कि डिसेंडेंट हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़े योद्धा ये खुद भी रहे होंगे। तो उन्होंने क्या है कि अपने आप को सेंट्रल एशिया में बहुत बढ़िया से इस्टेब्लिश कर लिया और एक रूलर बन गए हैं जो बाबर हैं। उसके बाद उनको बहुत सारे चैलेंजेस दिखे होंगे क्योंकि वो रूलर हैं, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस से गुजरे होंगे और बहुत सारी चीज़ें वो सीखे होंगे। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो उस टाइम पर नहीं रहेगा कि सेंट्रल एशिया में उन्होंने कैसा रूल किया। हमारा ध्यान जाएगा कि जब उनकी नज़र इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पड़ी, और हमें पता है कि 1526 में बाबर जो है अपने आर्मी के साथ इन्वेड किया, इब्राहिम लोदी को हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और आपको पता है पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ था इस युद्ध में, और ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 6 to 8,000 की फ़ौज लेकर बाबर आया था, और 1 लाख से भी ज़्यादा की फ़ौज इब्राहिम लोदी को आधे दिन के अंदर अंदर उस फौज को हरा दिया था। मतलब इस तरीके से लड़ाई हुई थी, बहुत बेस्ट डिफेंसिव पोजीशन रख लिया था इसने, अटैक नहीं किया पहले, डिफेंस क्रिएट किया और इब्राहिम लोदी को अटैक करनी थी, और इस तरीके से लड़ाई रची कि मतलब इब्राहिम लोदी अपने वॉर एलिफेंट्स का यूज़ तक नहीं कर पाया, इस तरीके से उसको हरा दिया। और हराने के बाद फिर ये इस्टेब्लिश हुआ, फिर आगे और भी लड़ाइयाँ होती, और लेकिन हम जानते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद से मुग़ल डायनेस्टी का जो है वो बिगिनिंग मतलब हो जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो बाबर ने बनाई थी। देखिए, बाबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक कह लीजिए इनोवेटिव पॉलिसीज़ से मिक्स था। कहने का मतलब कि वो जो है जो सिस्टम्स जो पॉलिसीज़ ला रहा था वो प्रैक्टिकल अप्लाइड था, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सोचा और कर दिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हुए थे, उसके फ़ायदा देखा गया था, फिर उसने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो भी पॉलिसीज़ वो एडमिनिस्टर कर रहा था उसका एम एक ही था, टू कंसोलिडेट हिज रूल, क्योंकि ये नया लैंड था और बहुत ही डाइवर्स लैंड था। जो इंडियन पॉपुलेशन है आपको पता है बहुत डाइवर्स था शुरू से। तो सबसे पहला जो पॉलिसी उसने एडमिनिस्टर किया वो था टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी। कहने का मतलब कि बाबर को पता था कि जो इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो कितनी रिच है, इसलिए उसने एक पॉलिसी बनाया था कि रिलीजियस टॉलरेंस रहे। रिलीजियस टॉलरेंस अगर नहीं रहेगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, अगर दंगा चलता रहेगा, राइट्स होते रहेंगे, तो उसका सारा का सारा ध्यान उनको कंट्रोल में चला जाएगा, फिर कैसे रिचनेस कैसे आएगा किसी भी एम्पायर में, ठीक है। तो उसका पहला फोकस ये था कि भाई टॉलरेंस होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, और जो भी पॉलिसीज़ हों वो इंक्लूसिव हो, सबको जोड़े। इसलिए उसने इस तरीके के पॉलिसीज़ लाए जो कि कह लीजिए कि ब्रिजेस बिल्ड कर सके जो भी इंडियन पॉपुलेशन है उसके बीच में, और कैसे, तो वो जो लोकल कस्टम था और जो ट्रेडिशंस था उसका इज्जत रखता था। जो भी यहाँ पे रिचुअल्स किए जा रहे थे, जो भी कस्टम्स लोग फॉलो कर रहे थे, उन सब का इज्जत किया, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये कोई बाहर ही नहीं है, ये जो है वो समझता है कि हमारे क्या ख्यालात हैं उन, और उस हिसाब से वो काम करता है। कोई भी समझ लीजिए कि डिक्टेटर जैसा रूल बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि किसी चीज़ को लेकर के बहुत सीरियस, बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप का सोच नहीं रखता है। तो हुआ क्या कि इससे कि उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ लॉयल्टी का, बहुत तरह के लोग, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के पीपल जो हैं, अलग अलग वेशभूषा के, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति के लोगों का उसको सपोर्ट मिला, लॉयल्टी मिला। दूसरा जो बड़ा पॉलिसी उसने इस्टेब्लिश किया वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, जो नया जब्ती सिस्टम था वो। इसने क्या किया रेवेन्यू कलेक्शन के फील्ड में, कि बाबर ने एक नया सिस्टम लाया जिसे जब्त कहते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग पढ़िएगा जब्ती सिस्टम, आगे अकबर में भी हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग कहानी है।
सबसे पहला जो है वो इसने जब्त, क्या कहते हैं, सिस्टम, जब्ती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसका मतलब ये था कि जब्ती सिस्टम जो था वो मोस्टली इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें स्टेबिलिटी आए, उसमें इफ़िशेंसी आए, लोग दें उस टैक्स को और देते वक्त रोएं, खुश रहें, तभी तो वो बार बार देंगे। अब इस सिस्टम में क्या हुआ ना कि इस सिस्टम में लैंड टैक्स जो है वो फिक्स किया गया किस चीज़ पर, बेस्ड असेसमेंट ऑफ द एक्चुअल प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। कहने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है तुम इतना अनाज दोगे, नहीं, तुमने जितना उपजाया है, तुम्हारी जितनी क्षमता थी उपजाने की, तुमने जितना उपजाया है एक्चुअल प्रोड्यूस जो है तुम्हारे लैंड का, उसका इतना हिस्सा मुझे दो। तो इससे हुआ कि जिस साल थोड़ी ख़राब खेती हुई उस साल कम टैक्स देना पड़ा, जिस साल ज़्यादा खेती हुई उपज ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा टैक्स दिया। तो एक फिक्स टैक्स नहीं रहा कि कोई मौसम रहे, कोई भी सीज़न रहे, हमको लेना देना नहीं, आप इतना टैक्स दीजिए। इससे होता क्या था कि बर्डन बढ़ जाता था। जब्ती सिस्टम आने के बाद ये जो है पीजेंट्स के ऊपर, जो भी खेती करने वाले किसान थे उनके ऊपर का बर्डन जो है उसको कम कर दिया और एक स्टेडी रेवेन्यू सिस्टम लाया स्टेट में कि जितना प्रोड्यूस हुआ आप क्या कहते हैं उसकी सर्वे होगी, उस हिसाब से आप टैक्स दीजिएगा। जो तीसरी पॉलिसी थी वो थी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये हो गया कि सेंटर से कंट्रोल होगा सारा का सारा, जितना भी वास्ट एम्पायर था। देखिए बाबर जो है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज कर दिया। किस तरीके से, तो उसने अपने पूरे एम्पायर को कई सारे प्रोविंसेस में बांट दिया और हर प्रोविंस का जो रूलर था, कह लीजिए उसको गवर्न कर रहा था एक सूबेदार, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नर, ठीक है, सूबा में बांटा। और सूबा के जो कह लीजिए कि जो रूलर थे, रूलर नहीं कहिए गवर्नर कह लीजिए, जो उसको चला रहे थे उनको सूबेदार कहा गया। सूबेदार का काम क्या था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे अपने सूबा में, अपने प्रोविंसेस में, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करेंगे, इसके अलावा मिलिट्री मैटर जो भी होगा, कहीं पे कुछ मान लीजिए कोई विवाद खड़ा हो गया तो उसको देखना, अगर कोई रिबेलियन क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ तो उसको दबाना, ये सब काम सूबा का था और इन सब पे निगाह कंट्रोल किसका था, तो वो सेंटर का रहा होगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर था ये बाबर को बहुत मदद किया जो उसकी वास्ट टेरिटरीज जो उसने जीती थी उस पर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि देखिए एक नया रूलर बाहर से आया था, लोग उसको बाहरी मान रहे थे तो उसको ज़्यादा ख़तरा था, तो उसको जो है अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत स्ट्रांग चाहिए था, और ये जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था उसको काफ़ी मदद किया। जो चौथा पॉलिसी था उसका वो था प्रमोशंस बेस्ड ऑन मेरिट। बाबर जो है वो इस चीज़ पे एकदम स्ट्रांग बिलीव करता था कि प्रमोशन जो होना चाहिए इंडिविजुअल्स का वो उनके कैपेबिलिटीज़ पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि लीनिएज पे, मतलब वो कौन से ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, किस धर्म के हैं, ये सब चीज़ से उसको लेना देना नहीं था। उसका मानना था कि मेरिट पे बेस्ड जो प्रमोशंस होगा वो हमेशा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि उसने मेरिट और लॉयल्टी, कौन कितना ईमानदार है, इन दो चीज़ों पर बेस्ड जो है प्रमोशंस दिए, पोजीशंस ऑफ पावर्स दिए, तो इससे क्या हुआ कि उसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जितना एफिशिएंट रहेगा, जितने लॉयल लोग रहेंगे उतना बढ़िया से आप कह सकते हैं कि कोई भी एम्पायर, कोई भी गवर्निंग बॉडी जो है काम कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये तरीका जो है सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी और क्या कहते हैं एफिशिएंसी को नहीं प्रमोट करता है, बल्कि ये इंस्पायर भी करता है ताकि जो भी उसके ऑफिशियल्स हैं वो पूरे मतलब शिद्दत से, पूरा लगाव के साथ काम करें, क्योंकि इंस्पिरेशन तो आता है ना भाई, ताकि आप कह लीजिए कि अगर किसी को और हायर पोस्ट चाहिए तो और मेहनत करेगा। कोई लीनिएज का ध्यान है, मान लीजिए कोई एक छोटे लीनिएज से अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर बनता है तो उसको तो पता था कि भाई मेरा छोटा ही लीनिएज है, मेरे लीनिएज का कोई वैल्यू नहीं उतना, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक छोटा लीनिएज का है आदमी है जिसको पहले के सिस्टम में प्रमोशन मिलने का चांस कम था, अब उसको पता है कि मुझे प्रमोशन मिल सकता है किसी भी लेवल तक का, तो वो तो डिवोटेड रहेगा ना, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जो भी उसका काम रहेगा उसके प्रति पूरा ईमानदार रहेगा। तो ये जो है एफिशिएंसी को बढ़ाया एडमिनिस्ट्रेशन के। चलिए पॉलिसीज़ के अलावा हम लोग उसका कल्चरल कंट्रीब्यूशंस भी पढ़ लेते हैं। देखिए बाबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चालाक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, बल्कि बाबर जो है वो एक कल्चर्ड एंड आर्टिस्टिक रूलर भी था। देखिए एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक, ठीक है, तो कल्चर्ड और आर्टिस्टिक रूलर भी था।
उसने खुद से हिस्ट्री लिखी, मतलब जो भी उसने देखा वो लिखा, जिसको आप कह सकते हैं मेमोआ कहते हैं। तो बाबर का जो मेमोआ था वो था बाबरनामा। उसने उस किताब में अपनी सारी बातें लिखी, जो भी उसने लड़ाइयाँ की, जिस तरीके के सिनेरियोज थे ना उस टाइम पे, जितने भी अपना खुद के पर्सपेक्टिव से, खुद की लाइफ में जितने वैल्यूबल इंसाइट्स थे सब उसने लिखा, अपने थॉट्स लिखे, अपने पॉलिसीज़ के बारे में जो भी वो सोचता था वो लिखा। इसके अलावा उसके टाइम के जो भी है ना सामाजिक और राजनीतिक दृश्यभूमि थी, पृष्ठभूमि थी कह लीजिए कि दृश्यभूमि, वो सब उसने अपने मेमोआ में लिखा है। ये जो है आर्ट्स के प्रति या जो भी कह लीजिए कि कल्चर था, लैंग्वेज था, लिटरेचर था, इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि बहुत ही इंटरेस्टेड था एंड डिवोटेड था। ठीक, तो उसके पेट्रोनेज की वजह से क्या हुआ कि जो हम लोग देखते हैं मुगल एम्पायर का जो रिच कल्चरल लेगेसी है, उसका फाउंडेशन इसी पेट्रोनेज की वजह से ये फाउंडेशन ले हो पाया, ये फाउंडेशन स्टार्ट हो पाया। और फिर आगे चल के हम लोग को पता है कि मुगल जो आर्किटेक्चर है, जो कल्चर है, वो कितना रिच है ना, मुगल हेरिटेज कह लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बाबर का जो रूल था, जो भी पॉलिसीज था, उसका क्या लेगेसी रहा और क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया आने वाले जो भी रूलर्स थे उनके ऊपर, और एज ए होल देखते हैं क्या क्या लेगेसी उस बाबर की लेगेसी रही। देखिए बाबर का रेंज जो था काफ़ी शॉर्ट लिव था, 1526 से लेकर 1530 तक 4 से 5 साल का उसका शासनकाल था, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशंस था वो बहुत ज़्यादा इंड्योरिंग असर छोड़ के गया, बहुत ही असरदार था। कुछ ही पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसने जो फाउंडेशन ले किया मुगल एम्पायर का, जो कि आगे चल के हमको पता है कि इंडियन हिस्ट्री का कितना बड़ा डायनेस्टी था, कितना सिग्निफिकेंट और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायनेस्टी जो है जो इंडिया में उसने इस्टेब्लिश की। इसके अलावा जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थे, जो पर्टिकुलरली जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको, देखिए जो जब्ती सिस्टम मैं बात कर रहा हूँ ना, इसका बाबर के द्वारा इंट्रोड्यूस जो किया गया, वो दहसाला सिस्टम जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था उससे कंपेयर नहीं कीजिएगा। हालांकि वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड था, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि इस बाबर ने जो इंट्रोड्यूस किया वो एक टेम्पलेट की तरह काम किया, जिसके बाद बाबर के बाद के आने वाले रूलर्स उन्हीं से मतलब कह लीजिए उसी चीज़ को एडिट कर करके, उसमें चेंजेस ला करके वो अलग अलग टाइप का रेवेन्यू सिस्टम ला रहे थे। तो अकबर का भी जो दहसाला सिस्टम था, जब्ती सिस्टम भी कहलाता है, वो इसी पर बेस्ड था, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन तो जो भी उस टाइम पे ज़रूरत रहा उसके हिसाब से था। ठीक है, तो दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा कि वहाँ भी जब्ती सिस्टम है, यहाँ भी जब्ती सिस्टम, तो एक्चुअली यही वाला है लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म है वो, इसलिए उसका नाम दहसाला सिस्टम भी है। ठीक है, तो जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था स्पेशली, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बात हुई, इंक्लूसिविटी आपको पता है जो अकबर का जो पॉलिसी था वो कितना इंक्लूसिव और टॉलरेंट था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बहुत सारी, स्पेशली जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जब्ती सिस्टम था बाबर के द्वारा लाया गया, वो एक टेम्पलेट की तरह कह लीजिए कि काम किया जो भी मुगल रूलर्स आगे आए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो रूल थी वो स्टेबल रही। ठीक है, उनका शासनकाल थोड़ा स्टेबल रहा। बाबर की जो लेगेसी थी वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ पे ही नहीं थी, बल्कि आर्किटेक्चर पे थी, लिटरेचर पे थी, आर्ट्स पे थी। कह लीजिए कि बाबर ने एक स्टेज को सेट कर दिया था उस, और उस स्टेज पे आगे चल के हम लोगों को मुगल डायनेस्टी के द्वारा कितना बड़ा कल्चरल अचीवमेंट देखने को मिलता है ना। हम लोग शाहजहाँ का जो आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड है वो भी देखते हैं, ताजमहल बना, लाल किला बना, बहुत टाइप का ग्रैंड ग्रैंड मॉसोलियम्स बने मुगल शासनकाल में। तो ये सब का जो फाउंडेशन था ये बाबर ने ही ले किया था, इस एक सेटिंग द स्टेज कह लीजिए। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊंगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।